ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक से पहले जजेस अपना फैसला कंपाइल कर रहे थे और इस वक्त हम आज की नशरियात की के अहतमाम की तरफ बढ़ रहे हैं और मेरे पास उन लोगों के सर्टिफिकेट्स हैं जो सेमीफाइनल में अपने घर चले गए थे, वो इस मुकाबले से बाहर हो चुके थे। तो उनमें से भी आज कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट वसूल करें। सबसे पहले मैं दावा देना चाहूँगा मोहम्मद वारिस को। माशाल्लाह बहुत खूब नात हुआ है, बहुत अच्छा कलाम पढ़ा था और आज हमारी इस नशियात से ये बहुत मुबारक हूँ मोहम्मद वारिस। उन्हीं के साथ सेमीफाइनल में हमारे साथ एक और पार्टिसिपेंट मौजूद थे, माशाल्लाह उनकी भी बहुत खूब आवाज़ है और नाम भी बहुत खूब है, इस वक्त वो मेरी तरफ ध्यान ही दे रहे। तो जनाब मौला बुहारी अपना एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट वसूल करें। और अब उन पार्टिसिपेंट्स के सर्टिफिकेट हैं मेरे हाथ में जो आज के इस मुकाबले में जीत नहीं सके, क्योंकि विनर्स तो आपको सबको पता कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, कुछ ही लोग इसके हकदार बनते हैं। लेकिन तमाम नात हुआ अपनी जगह बेहतरीन नात हुआ, उन्होंने बेहतरीन कलाम पढ़े, बल्कि जजेस को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा अपने रिजल्ट को कंपाइल करने के लिए। उन्होंने काफ़ी एक एक पॉइंट से आप सब आगे पीछे रहे और मेरे पास इस वक्त कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो कि आज अनफॉर्चुनेटली, लेकिन माशाल्लाह नात हुआ ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ का सिलसिला तो ये हमेशा रुकेगा नहीं, क्योंकि ये आज के सिर्फ इस नशरियात तक हम इसका अहतमाम करेंगे, लेकिन ये सिलसिला आगे भी चलने वाला है। मुझे उम्मीद है कि तमाम पार्टिसिपेंट्स ने सीखा होगा और कुछ ऐसी गलतियाँ जो कि मैंने भी सीखा, कुछ ऐसे तलफ़ के अल्फाज जो हमारे जजेस ने बताए। आज मोहिद्दीन साहब भी हमारे साथ मौजूद नहीं है, उन्होंने भी काफ़ी रहनुमाई की तमाम पार्टिसिपेंट्स की। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले कि अपना सर्टिफिकेट वसूल करें हतीजा से, कि वो अपना एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट अपने जज से वसूल करें। हतीजा उसके बाद जो अगला नाम मेरे पास है वो थर्ड पोजीशन के बहुत करीब था और जजेस को एक दो नंबर से इनको पीछे करना पड़ा। तो मैं नाम लूंगा, मेरे पास अगला नाम है अबू बकर का। तो ये आज के इस मुकाबले में कुछ जीत ही सका, क्योंकि जारी बात है तमाम नात हुआ ने बहुत अच्छा मुकाबला किया और मेरे पास ये थर्ड पोजीशन से सबसे करीब जो पार्टिसिपेंट है वो अबू बकर। और फोर्थ पोजीशन के जो सबसे करीब कैंडिडेट थे उनका नाम है मोहम्मद अली, वो भी अपना एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट जज से वसूल करें। मोहम्मद अली उसके बाद अगला नाम मेरे पास है, अनफॉर्चुनेटली आज के इस प्रोग्राम में, इस नशरियात में कोई भी फीमेल आगे क्वालिफाई नहीं कर सकी, तो वो समझ गई होंगी मेरी बात। मेरी रिक्वेस्ट है इकरा जहीर से कि वो अपना एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट वसूल करें। सिर्फ चार नाम मेरे हाथ में, इन चार नामों में से पता चलेगा कि कौन बनेगा सियालकोट की आवाज़। छोटा टाइटल नहीं कि सियालकोट में से इतने लोग ऑडिशंस के लिए आए, आप सब इस चीज़ के गवाह हैं कि ऑडिशंस भी हुए, इसके बाद सेमीफाइनल राउंड भी हुआ और आज उनमें से ये खुशकिस्मत लोग, मैं इनको बहुत ही खुशकिस्मत कहूँगा कि आज ही यहाँ मौजूद हैं। एक तो मुकाबले के लास्ट स्टेजेस में अच्छे इनको रिमार्क्स मिले हैं, एक ये खुशी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो मकसद इनको यहाँ लेके आया कि नाथवानी जो इनका शौक है, जो इनका पैशन है, वो जो इनको यहाँ लेके आया, उन सब उसके लिए भी इन तमाम पार्टिसिपेंट्स को मुबारकबाद कि वो आज उस के वसीले, उस नात के, उस खूबसूरत काम के वसीले यहाँ बैठे हुए हैं। तो तमाम पार्टिसिपेंट्स को बहुत मुबारकबाद जो यहाँ सेमीफाइनल में भी बाहर हो चुके थे और आज जिन लोगों की पोजीशन नहीं आई
उनको भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं, वो भी किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह उनके काम आएंगे जो टिप्स जजेस ने उनको दी थी। और मेरे पास इस वक्त चार नाम हैं। सबसे पहले इन चार नामों में से एक नाम जो थर्ड पोजीशंस जो तीन हमारे विनर्स हैं उनके लिए क्वालिफाई नहीं कर सका, एक नाम। तमाम लड़के इस वक्त मेरी तरफ ही देख रहे हैं जैसे कि मैंने किसी का उधार लिया हो, लेकिन नहीं, वाकई इस वक्त आपका सर्टिफिकेट मेरे पास उधार है और अपना सर्टिफिकेट वसूल करेंगे जनाब हमाद अली। आज बहुत अच्छा कलाम था, ये भी कुछ ही नंबर से इनको इनको पीछे रहना पड़ा और जजेस ने फिर थर्ड पोजीशंस बनाई। जनाब हमाद साहब आपको बहुत मुबारक हो, बेहतरीन कलाम पढ़ा था आपने। अब हम ब्रेक पे भी नहीं जाएंगे, हम रिमार्क्स लेंगे अपने जजेस से और तवील रिमार्क्स लेंगे ताकि हमारे पार्टिसिपेंट्स के दिल में सस्पेंस और बढ़े। जी जजेस क्या कहेंगे लास्ट पे? अच्छा, इससे पहले कि सजाद भाई कुछ कहें, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो है वो मैं कुछ थोड़ी सी चीज़ें करना चाहूँगा। गो कि हमने थोड़ी सी देर लगा दी, रबीउल अव्वल का जब महीना स्टार्ट हुआ तो उस टाइम हमारा प्लान नहीं था, लेकिन ये चीज़ें जो है वो अल्लाह ताला जहनों में डालने वाला है। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था तो मैं और मोहित ऐसे डिस्कस कर रहे थे चैनल के बारे में, तो तब एक जहन में आया कि क्यों ना हम रबीउल अव्वल के हवाले से जो है वो एक इस तरह का कंपटीशन करवाएं ताकि हमारी भी थोड़ी सी पार्टिसिपेशन हो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूर, कुछ ना कुछ हम नजराना अकीदत पेश कर सकें। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने जहन में डाला और मैंने उसी टाइम सजाद भाई को कॉल की और कहा कि हम इस तरह से करना चाहते हैं। तो उन्होंने उसी टाइम कहा कि जी ये बातें जो होती हैं वो अल्लाह ताला जहन में डालता है, तो इसको इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लें और करें। तो हमने इसको स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें नहीं पता था कि इतने ज़्यादा लोग हमें जो है वो ज्वाइन करेंगे। हमने इसकी ऐड चलाई और आप लोगों ने, सब लोगों ने, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ना सिर्फ यहाँ पे विनर रनर अप और सेकंड रनर अप है बल्कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो हमारे लिए तमाम विनर्स हैं। पहली बात तो ये अपने जहन में रखिए, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होता है तो उस पर कामयाबी मिलती है, और यहाँ पर अगर यहाँ आप लोगों की थोड़ी सी उसमें आप कमी आई है तो उसको आप मज़ीद बेहतर करें, और ताकि अगले साल जब हम ये प्रोग्राम अनाउंस करें तो आप लोग जो है वो उसमें विन करें। तो मेरी तरफ से तो आप सब लोग जो है वो विनर हैं, तो मैं एक दफ़ा फिर आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने एसएफ टीवी की इस नशरियात में जो है वो एज़ अ पार्टिसिपेंट हिस्सा लिया और अपना जो है वो हिस्सा डाला इस अकीदत को पूरा करने में। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह जिस तरह मोहित ने बताया है कि ये सिलसिला जारी रहेगा, ये नहीं है कि इस दफ़ा हमने करवाया है, तो शायद इससे अगले साल जब हम जाएं तो इसको पहले से ही हम ऑर्गेनाइज़ करें, पहले से अनाउंस करें और इससे कहीं ज़्यादा बेहतर जो है वो हम इसको लेके चलें। उसके लिए आप लोगों की पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी आप लोग इस मुकाबले में हिस्सा लीजिएगा, और आज अगर कुछ लोग जो है वो पोजीशन में पीछे रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर वो ज़्यादा मेहनत करके आगे आ सकते हैं। थैंक यू जी। सजाद साहब क्या कहेंगे? जी मोहित भाई, माशाल्लाह आज का जो प्रोग्राम था और बड़ा खूबसूरत, और ये वो चुने सनाहन मुस्तफ़ा हमारे आज के इस फाइनल में शामिल हुए कि जिन्होंने, ये आज तीसरा राउंड था जो सबसे अच्छे पढ़े, माशाल्लाह आज भी इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा है सब ने, लेकिन कुछ कमियां रह ही जाती हैं, बहुत बहुत अच्छे पढ़ने वालों से भी रह जाती हैं। और ये जो कंपटीशन होते हैं इसमें भी इज़्ज़तें वो मालिक की तरफ से होती हैं, और सबसे बड़ी इज़्ज़त की बात ये है कि हमारे पूरे ज़िला लेवल पे ये जो हमारा ऐलान था बाय केबल के वाय से कि ये कंपटीशन होने जा रहा है, तो इसमें माशाल्लाह जो लोग सिलेक्ट किए गए वो हमारी तरफ से तो एक निस्बत थी, एक वसीला एसएफ टीवी की जानिब से। तो असल में जो अल्लाह पाक ने जिनको चुना था वही मंजरे आम पे आए, कुछ पहले राउंड में बाहर हुए, कुछ दूसरे में हुए, तो जो लास्ट हमारा फ़ाइनल था इसमें जो बच्चे पढ़े हैं माशाल्लाह, मैं सबको
سلام پیش کرتا ہوں کہ سب نے بہت اچھا پڑھا ہے، لیکن جب قلم چلتا ہے اور جو وقت جب جو نعت خواں پڑھا ہوتا ہے، اصل میں وہ وقت ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہونا ہے، تو وہ وقت اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کوئی بہت اچھا پڑھ جاتا ہے اور کوئی بہت اچھا پڑھنے والا تھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے، تو اس میں پھر وہ عزتیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ سب سے بڑی جو عزت کی بات ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے، فائنل میں فائنل تک پہنچے ہیں، تو وہ اللہ کے کرم سے پہنچے ہیں۔ اس کو سرکار کی کرم نوازی بھی سمجھیں اور اللہ کی کرم نوازی، اور یہ یقیناً ہے، اس کو سمجھنا نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ میں زاہد بھائی سے بھی ذکر کر رہا تھا اور ان بچوں سے بھی کیا کہ آج، کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ادارہ جو سندس فاؤنڈیشن ہے، تو اس میں بلڈ جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے ہر بچے کے لیے، تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ جو ون کرے گا آج اس سے بھی ہم بلڈ لیں گے۔ تو انشاءاللہ سارے ماشاءاللہ نوجوان ہیں، اور پورا میسیج آپ لوگوں کے لیے بھی ایس ایف ٹی وی کی جانب سے، تو اللہ پاک یہاں پہ جو بچے زیر علاج ہیں ان کی بھی خیر فرمائے اور ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ اور یہ سلسلہ جیسا کہ زاہد بھائی نے اور محید بھائی نے بھی واضح کر کے بتایا ہے کہ یہ رکے گا نہیں۔ جب اس کو نام دیا گیا مقابلہ حسن نعت، تو اس میں نے زاہد بھائی سے کہا کہ سیزن ون کریں تاکہ نیکسٹ انشاءاللہ ہمارا جو یہ کمپٹیشن ہو تو یہ سیزن ٹو کے نام سے ہو۔ آپ بھی دعا کیجئے اور ہم بھی کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ پاک ایس ایف ٹی وی کو بھی برکتیں دے اور ہمارے اس کار خیر میں بھی اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ جنہوں نے ون کیا، جو ونر ہیں، وہ انشاءاللہ بھائی محید صاحب ان کو اناؤنس کریں گے، اور ان کو میری طرف سے جو ہے نا ایڈوانس مبارکباد جی۔ اور اس کے ساتھ ونرس کے لیے جو شیلڈس بھی ہیں، سرٹیفکیٹس بھی ہیں، ساتھ تحائف بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک موقع دیا جائے گا وہ جو ونرز آج کے ہمارے پروگرام کے فرسٹ پوزیشن اور سیکنڈ تھرڈ جو پوزیشنز حاصل کریں گے ان کو ایس ایف ٹی وی کی جانب سے ایک موقع دیا جائے گا، وہ اپنی آفیشیل ناز ریکارڈ کروائیں گے ایس ایف ٹی وی کے پلیٹفارم سے، اور وہ ایس ایف ٹی وی چینل پہ چلائی جائے گی۔ یہ ایک ان کے لیے پرائز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والا نعت ہوا ہے، اس کو ہم نیشنل چینل پہ بھی بھیجیں گے انشاءاللہ۔ سداد صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور مختلف نیشنل چینلس پہ بھی وہ اپنی نعت سناتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارا جو فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والا نعت ہوا ہے اس کو ہم اپنے نیشنل چینلس پہ بھی انشاءاللہ بھیجیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بلکہ میں آج یہاں تمام ینگسٹرس موجود تھے، تو مجھے ایک ینگسٹرس کی انسپریشن تھوڑے دن پہلے جناب جنید جمشید صاحب، مشہور پرسنالٹی ہمارے پاکستان کی، نعت ہوا، وہ ان کی ابھی برسی تھی کچھ ہی دن پہلے، تو میں ان کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ آج یہ جو ہم نے محفل سجائی، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادنا سا تحفہ ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی، اور وہ تمام نعت ہوا جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی ہم ان کو بھی آج یاد رکھتے ہیں، اور یقیناً یہ تمام ینگسٹرز جو ہمارے سامنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کی بتائے ہوئے رستے پہ چلیں گے، جس طرح کے بہترین پرسنالٹیز ہو، تو ہمیں امید ہے کہ آنے والے وقت میں بھی ہمارے سیالکوٹ کے یہ جو بچے ہیں، یہ جو نوجوان ہیں، یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ اور آخر میں تین نام، اور میری ویسٹ کوٹ کی بائیں جانب بائیں جیب میں نتیجہ پڑا، اور وہ نتیجہ ہم